आपका अपना सात्विक जोन। तो गाइस आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ अपना पूरा रूम। हाँ, जैसे कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता तो चल ही गया होगा, आज मैं अपना रूम टूर का वीडियो करने जा रहा हूँ। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो चलो, तो गाइस ये है मेरा रूम। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा अपने स्टडी टेबल से। तो देखिए ये है मेरा स्टडी टेबल गाइस। अभी आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा गंदा है, क्योंकि गाइस मैं साफ सफाई ज्यादा करता नहीं हूँ अपने रूम में, तो छोड़िए। और इधर कुछ चाकू वाकू कैंची वैंची है, यहाँ पे मैंने फ्लावर्स लगा के रखे है। ये देखिए ये सब डेकोरेशन, ये मेरा टेबलेट कम लैपटॉप मोबाइल सब कुछ है, जो भी चाहे। ये भी गंदा हो गया, मैं इसका भी यूज नहीं करता हूँ। और ये साईं बाबा अपने, ठीक है, ये एक लाइट है। यहाँ पे मेरे बुक्स कॉपीज है, यहाँ पे ऐसे ही गंदगी मचा के रखी है मैंने। यहाँ पे मेरे रूम में मेरा सोफा, ये देखिए कुशन है, मेरा स्कूल बैग है, ठीक है। और यहाँ पे है ये मेरा गिटार, ये मेरा बेड है, ये मेरा कैसियो है इधर में, ये अपने कुछ टोपी अपने कुछ कैप्स रखा हूँ इधर आप देख सकते हैं। और इधर पिलोस है, इधर उधर भी है आप देख सकते हैं, कैसियो है मेरा। और ये मेरा रूम का बेस्ट पार्ट है, नीचे ड्रॉर्स है, ये मेरा म्यूजिक सिस्टम है पूरा। देखिए वॉल में मैंने पूरा अपना म्यूजिक सिस्टम लगा के रखा है। देखिए मैं म्यूजिक पे बहुत ध्यान देता हूँ। और वॉल्स की बात करते हैं अब, तो ये देखिए मैंने अपने वॉल्स पे लिख के रखा है सब। और ये मेरे कुछ पुराने कपड़े है गाइस, जिनको मैं पहनता नहीं हूँ, अभी मेरे को छोटे हो रहे हैं। तो मेरे बचपन के इन कुछ कपड़ों को मैंने यहाँ पे मेरे दीवार पे ऐसे ही लटका दिया है आप देख सकते हैं, ताकि मेरा रूम थोड़ा अच्छा दिखे, कूल दिखे। और यहाँ पे और एक टेबल है, यहाँ पे कुछ गंदगी है, यहाँ पे मेरे रिंग्स है, ये देखिए शेर रिंग्स है यहाँ पे मेरे, और ये गिरा के रखा हूँ वैसे, ये इधर भी ये है। और विंडोज को मैं खोलता नहीं हूँ, तो देख सकते हैं इधर भी मैंने सामान रखा है कुछ। ये है मेरा विंडो, इसको भी मैं खोलता नहीं हूँ। इधर मैंने रखे है मेरे डोटा है, इसको ऊपर ऐसे करके रखा है। इधर एक सेल्फ है जिसको मैंने खुद बनाया था थर्मोकॉल से, ऊपर कुछ हैंडवेंड्स है मेरे आप देख सकते हो। और इधर मेरे फोन के कुछ केसेस, रूबिक्स क्यूब, मेरे वॉचेस, एक छोटा सा स्पीकर, हॉट व्हील्स कार भी है, ठीक है। और ये एक ड्रॉर है, तो इसके अंदर ये जो पूरी है गाइस, ये पूरी मेरी कार्ड कलेक्शन है आप देख सकते हो, ठीक है। मैं मैजिक बहुत करता हूँ, तो अपनी कार्ड्स कलेक्शन आपको दिखा देता हूँ। और इसको बंद कर देता हूँ। इधर मेरे सोफे पे मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स है गाइस, और वो उधर वॉच है, फिर इधर मैं ये बचपन का फोटो, इधर लिखा है मैंने यूट्यूब। और ये एक डोर है, ये ऐसे बंद ही रहता है ज़्यादा, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ये मेरा रूम का मेन डोर है, अब अच्छे से देख सकते हैं। स्टिकर विकर बहुत सारे लगा के रखे है। ये एक मेरी बचपन की पैंट है, जिसको मैंने अब देख सकते हैं खुद ही मैंने डिस्ट्रेस्ट किया था। और ये मेरे पैंट के जो चैन्स होते हैं वो है, उनमें लगा के रखा हूँ। इधर है मेरी हेयर वैक्स की कलेक्शन, ये देखिए गैट्सबी के हेयर स्प्रे है, हेयर वैक्स है, और अपने साईं बाबा हर तरफ है। इधर नीचे फ्लोर की बात करूँ तो मैंने कारपेट्स बिछा रखे आप देख सकते हैं। और इधर कुछ ड्रॉ है, इसके अंदर बहुत सारा सामान है मेरा। इधर पिलोस बहुत है यार, बेड कम जगह है। और रात को मैं इधर ही सोता हूँ मेरे रूम में अकेले। और क्या दिखाने का चीज़ है, हाँ सोफा हो गया, बेड हो गया, सब कुछ। इधर गाइस मैंने अपने, ये मेरा साइकिल का चाबी है, ये मेरा एक हेयर ब्रश है, मेरे कुछ पेंस है, और वायर वायर, ये कड़ा है मेरा। और ये जगह का बात करूँ तो ये लो बेस्ट पार्ट, तो देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे गॉगल्स है। ये देखिए यहाँ पे गॉगल, ये देखिए कितने सारे चश्मे हैं मेरे पास, तो पर गंदे हो गए, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरे को स्पेक्स लगते हैं और इनका यूज कर नहीं पाता हूँ। ये है मेरे दो फॉर्मल वॉचेस, ये है मेरे परफ्यूम्स, और यहाँ पे है मेरे बहुत सारे कड़े, ये चाकू है, ये मैंने ऐसे रूम डेकोर के लिए खरीदा था, नकल है एक मारने के लिए किसी को भी। और गणेश बाबा, ये मेरा GTA 5 का जो CD है, ऊपर ड्यूज बॉल और थोड़े परफ्यूम्स। और ये मेरा चेयर है, चेयर में बैठता हूँ और इधर पढ़ता हूँ मैं अपने होमवर्क्स, सब घर में ही करता हूँ। और मेरा गिटार भी आप लोगों ने बड़ी अच्छे से देख लिया है, ठीक है।
और ये जो डोर है आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, ये इधर है गाइस मेरा बेलकनी है, ठीक है। तो अभी तो रात हो रही है तो क्या दिखाऊं मैं आपको, बेलकनी और ऊपर एक फैन है, छोटा सा, छोटा फैन से अच्छा हवा आता है। और क्लॉक वर्क सब आपने देख लिया, इधर मैंने लिख के रखा है बहुत कुछ। तो ये मेरा रूम का सबसे बेस्ट पार्ट है, इधर देखिए मेरे हैंड बैंड्स, ब्रेसलेट्स ये देखिए, और इधर ये पर्दे के इधर ये लगा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे रूम की लाइटिंग, ठीक है। तो मेरी रूम की लाइटिंग बहुत अच्छी है गाइस, एक बार आप देख लीजिए। जो ये देखो भाई साहब, ये देखो, तो ये एक नहीं चला क्या? अरे तो गाइस ये आप देख सकते हो मेरे रूम की लाइटिंग कितना मस्त लगता है ना। मेरे रूम सोते वक्त ऐसे ही कर देता हूँ, मेरा बेड एकदम उजाला है मेरे बेड पे, इधर देख सकते हो ये लाइटिंग सिस्टम। इधर है ताजमहल मेरा, ये एक लाइट है, ये देख लो, दिवाली का लाइट भी लगा के रखा है मैंने। और ये जो है मेरा म्यूजिक सिस्टम का रिमोट, आईना है पर ये कुछ दिखने लायक तो है नहीं अभी। और देख सकते हो लाइटिंग बहुत अच्छी है यार भाई, मस्त है। इधर मेरा टाइम टेबल लिख के रखा है मैंने स्कूल का, और बस वही और क्या। तो अभी मैं तो यार भाई यार अभी आप लोग देखो, मैंने अपने पूरा रूम का टूर अच्छे से कराया आपको, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ दिखा दिया, ठीक है, सब चीज दिखा दिया। ये देखो तुम्हारा मुंह अच्छे से दिख रहा है, आवाज आ रही है अच्छे से, कह रहा आप तो वीडियो अपलोड करने के बाद ही देखोगे ना। तो अभी आप लोगों ने मेरा रूम बहुत अच्छे से देख लिया, तो मैं आप लोगों को जल्दी से बोलना चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक किए बिना वीडियो से मत जाना, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो दबा देना उस डिसलाइक के बटन को। पर हाँ कमेंट्स में जरूर बताना क्यों डिसलाइक किया और क्या गलती होगी मुझसे, ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। और अभी आप लोगों को मेरा बाय कहने का टाइम आ गया है, तो बाय बाय गाइस।